हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला बार प्रणाम, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10 बजे से और आज ना सवेरे से तो मौसम सवेरे सही था, छाया आई थी और अभी इतनी ज़्यादा धूप आ रही ना, बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा है। तो मैंने आज क्या करा, फटाफट से काम किया, फिर मैं चले गई घास। उस टाइम पर तो छाया हो रही थी तो उतना मतलब जैसे एक मुट्ठा बनाया ना, दूसरा मुट्ठा बनाने में तो भगवान कसम ऐसी हालत ख़राब हो गई ना मेरी, मैं क्या बताऊँ। तो मैं फटाफट से घर आई, घर में आके मतलब जानवरों का भी बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी, उनको नहला धुला कर उनको बात दिया। पकड़ा है मेरा भात, क्योंकि थोड़ी सी मुझे रेस्ट भी चाहिए होता है ना, कि मेरा चेहरा आ जाता है तो आप लोगों को पता ही है, वो तो ऐसे कीर्तन करवाता है मुझसे, मैं क्या बताऊँ। अब मैंने नहा भी लिया पर बाल बाल वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाए, उनका पहले खाना बना देती हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आजकल मैं शुद्ध हिंदी बोलना सीख रही हूँ, पर मेरे कहीं हमने शुद्ध हिंदी बोला ना। और मेरी जेठानी फ़ोन कर रही थी, अब मैं किचन में थी, झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सुना नहीं क्योंकि मैं फ़ोन अंदर रख कर गई थी। अब दो बार फ़ोन कर दिया मैंने उनको, दो बार, उन्हें एक बार भी मेरी कॉल रिसीव नहीं करी। अब पत्ते ने बेचारे घास जा रही थी, पन प्यास लग रही थी कि यार के पत्ते ना, तो फ़ोन कर रही हूँ उठा नहीं रहा, खेत की साइड कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि आज वो गए घर के पीछे वाले खेत में, अपने दिख नहीं रहे, पता नहीं जहाँ होंगे। फ़ोन उठा रहे हो, आज हमारा लाइट का काम भी शायद फिनिश हो जाए, क्योंकि अब सिर्फ किचन वगैरह में बच रखा है। और बच्चे तो रहते नहीं ले गया ना स्कूल, एक तो आज मतलब उसको कल आई कार्ड मिलाना है स्कूल में, आज वो कितना खुश होकर स्कूल गया कि मुझे आई कार्ड मिला, मैंने कहा बाबू आज भी स्कूल है तुझे आज भी मिलेगा करके। हाँ मम्मी, बल मैं रोऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगा। कल तो उसने सवेरे से ही रोना शुरू कर दिया और उसकी दीदी कहती मम्मी स्कूल जाने तक ही रोने में ही था, बल बाल दिखे मेरे का सह रहे हैं। तो भाई साहब थोड़ा बाल बाल मैं मेकअप वेकअप भी कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू, तब तक के लिए बाय। तो बाहर लगी हुई इतनी ज़्यादा धूप और मैं आ रही हूँ छत में उठाने के लिए कपड़े, सवेरे धो रहे थे पर छत माने का मन नहीं करा था। अभी मैंने बिल्कुल बाल बाल बना के बिल्कुल कत्ते ही टनाटन बना दिए कपड़े ना, धूप में आज से इतनी गर्मी आती है कपड़े एक घंटे में सूख जाते हैं, फिर उनका चले जाता है कलर, क्योंकि हाउस ड्रेस के लिए यहाँ पर का रबड़ होता है लेट में सूखते हैं, इसलिए मैं इनको आराम से उठाने के लिए आई। पर घाम देख रहे हो अभी अभी इतना ज़्यादा हो गया है पसीना, तो अब गाइस पहले उठा लेते हैं कपड़े और खाना मेरा बन गया। आज बना रहा है मैंने पुलाव भात और मुझे लड़की का आज एक ही शौक से मिला, एक तो मिला ही नहीं जहाँ गया होगा ये। तो फाइनली किचन का भी हो गया काम ख़त्म और यहाँ का बोर्ड कनेक्शन सारा हट गया है ये, और ये लग गई किचन में टाइल है, अभी बचा भूजा है ये देखो। और आज मैंने ले ली अपने किचन के लिए नई टोकरी सब्जी रखने के लिए, ये देखो अब थोड़ा किचन को भी स्टैंडर्ड तरीके से सजाना है मैंने, और ये दोबारा टाइलें आ गई हैं और वो मेरा बाबू वो है वो, और इनको दे दिया खाना। और इस कौवे ने ना पूरा झाड़ू खा सब दिया, ये घोंसला बनाने के लिए ले जा रहा है, देखो वो एक ये है और एक वो है, वो क्या खा रहा वो दोनों ये। फाइनली हो गई है शाम और देखो शाम का नज़ारा ऐसा, जीते रहो। और ये चल दिए हमारे अग्निवीर लगाने के लिए दौड़, ये देखो गर्मी ना होता है इनको, मम्मी देखो ताप, बाय करना आई भी होता है बाय से पहले, मम्मी ताप देखो मम्मा। फ्रेंड्स शाम होते ही मैंने सोचा घास जाऊंगी पर मेरा घास जाना हो गया है कैंसिल, अब मैं जा रही हूँ लेने के लिए पराल भोजा बिस्तर पकड़ के, और क्योंकि मेरी जिठानी का फ़ोन आया था कि पराल लेकर, पहले तो मैं घास जाने वाली थी, फिर मैं घास जाना मैंने कैंसिल करके, अब मैं चलती हूँ भोजा बिस्तर लेकर पराल लेने के लिए, पराल भी ज़रूरी है ना, अगर बारिश आ गई तो डालने के लिए हो जाता है इसलिए। और हमारे यहाँ के जो छोटे मोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं,
बेट मिन्नील। ये हमारे गांव के बच्चे, इनको बेचारों को रोटी मिलती है खेलने के लिए। ये देखो, ये दो इधर हैं। हाँ बोलो गाइस, व्हाट्सअप इंग्लिश बोलते हैं यार हमारे। यार दो दरनचानी यहाँ पे डल रहे हैं कुट्टी। ये देखो, ये एक मैक्सिमो उतर रखी है, एक कुर्ती का टी शर्ट प्लाजो में है। ये देखो हमारे गांव के, आहा न्यारी बांध लग रही है सपना अभी। अच्छा मतलब एक और गुड न्यूज है, अभी एक को सिर्फ 5 महीने हुए हैं, एक और इतने जल्दी गुड न्यूज दे देती है ये। तो पानी लेके आ गई मैं पराल और पसीने से ऐसी चर हो गए, पर एक चीज़ में वहीं भूल गई। अब इसको लेने के लिए जाएगी खुशी नाना, मैं सर में बांध के लाई। और मेरे दो लल्लू पंचू ये हैं। हेलो गाइज, ये नहीं बोलेगा, ये बोली हेलो गाइज। फाइनली हो गई है शाम, ये है मौसम। वो देखो घास आ रही, घास से आ रहे हैं घर को। वो घास के भुट्टे भुट्टे रख रख के सर में। तो फिर से शुरू हो गई मेरी पैदल यात्रा। पैदल यात्रा ज़्यादा हो जाती है मेरी, क्या करूँ। कितना कह दिया बाबू के बाबू से कि आ दो मेरे साथ, चल दो चल दो, आते ही नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ बहुत ज़्यादा दूर, और सिंदूर मेरा पता पूरा इतना ज़्यादा फैल गया ना, क्या पता पसीने से। तो अब चलते हैं हम थड़वाट की साइड, क्या पता बाबू के बाबू पीछे से आ जाएँ। देखते भी रह रही हूँ कि आ तो नहीं रहे, आ तो नहीं रहे, पर मुश्किल है उनका आना। देखो घर पहुँचते पहुँचते तो मुझे वैसे अंदर आ जाने वाला है। तो हम चलते हैं फटाफट 90 की स्पीड से दौड़ते हुए। तो हो गया ना इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया, देखो इतने ही जा रहे हैं गाड़ी वाले, कहीं पर आएंगे मेरे बाबू के बाबू भी, कोई भरोसा नहीं है। ये देखो मैंने जैसा कि कहा था, मुझे घर पहुँचते पहुँचते ना अंधेरा जगह पर, अपने थड़वाड़ भी पार नहीं करिए। 7:30 हो गया, क्योंकि पैदल चलने में ना बड़ी दिक्कत हूँ मैं, कि बताऊँ परेशान छूँ मैं अपनी ज़िंदगी बड़ी है। तो हमारे बाबू भी नहीं सोचते कि मेरी बीवी पैदल गई है तो उसको घर ले आऊँ, कोई मतलब ही नहीं हुआ कहने का, मतलब तो ये हुआ। और गाड़ियों की शाइनिंग लाइट इतनी चमक रही है, आँखों में हाँ होंगी, ऐसे ही होता है ना, इसी में चलता है पता, कि हस्बैंड को आपको आपके हस्बैंड को आपकी कितनी फिक्र रहती है। देखा फिक्र होती, फिर अंधेरा हो गया, कहाँ होगी, घर नहीं आई, फिर फ़ोन कर लूँ, पहुँची कहाँ गई, कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। तभी कहते हैं ना, शादी ना सोच समझ विरन करना चाहिए, थोड़ी ब्याह ही ब्यो करना है, ब्यो कर रहा है पर मैं थोड़ी उन्होंने घर वाले थोड़ा मयाल उंजन इतने देने का। ये होते हैं ये जिनको बिल्कुल फिक्र नहीं होती, इतने अनयार चुप्पे में आए मेरे को लेने के लिए। पहले बोले नहीं आप आते क्या, मैंने कहा जैसे कि जा कर गए। ये निर्दयी पति हैं, इनको मेरी फिक्र ही नहीं है, नहीं आती तुमको मेरी फिक्र। देख लो तुम इसको, देखो तो ऐसा देखो तो कर गया मुँह, ये कीड़ा वाला मुँह वाला हम नहीं देखते हैं। तो गाइस बहुत देर में आए, चलते चलते मेरे आधे प्राण चले गए थे। ट्रैक्टर जो बुक करा दूँ, भले मैंने कहा मरने वाले में ट्रैक्टर को बुक कराना है कह रहे हैं पापी जैसे। तो हम चलते हैं घर को, कश हवा आ रहा है, क्या कर रहे हो ऐसा, मारने की गड्ढा था मारने की ताक में लगे रहते हैं, सोचते ना कब ये मरे कब मैं दूसरी लाऊं सोचते हैं, पर मैं नहीं मरूंगी। मैं नेपाल से लाऊंगा, नेपाल से मैं कह रही हूँ पाकिस्तान से ले आना, पाकिस्तान नहीं नेपाल, पबजी वबजी खेलो पाकिस्तान से ले आओ कह रही हूँ, मान नहीं रहे, नेपाल से लेके आएंगे, नेपाल ही लेके आएंगे, पाकिस्तान से लेके आते। तो ये पागल तो नहीं हो गए हो, कैसा कर रहे हैं ना क्या बता दो। तो हम चलते हैं घर को, तब तक के लिए बाय। तो फाइनली बन गया खाना भी, और किचन का हमारा जो टाइल वो लग गई है, और अभी यहाँ पर इनको ऐसे कर रही थी निकलने में करके, इनको ऐसे के एंटर है। अभी थोड़ा बहुत काम और बचा है, इधर की दीवारों में टाइल लगनी बची हुई है, और बन गया मेरा खाना। तो मैं भी आराम से बैठ के यहीं पर ही खाऊंगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ चली गई तो मुझे खाना खाने देगा नहीं, इसलिए गर्म तो इतना हो रहा है ना भाई साहब, क्या बता दो, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है मैं बता नहीं सकती। और मेरे हाथों की मेहंदी भी निकल रही है, तो खैर छानिए बात है अगली मैच। तो अब फ्रेंड्स इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।